वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली वाले पिछले 15 साल से भाजपा शासित एमसीडी के भ्रष्टाचार की वजह से, भाजपा शासित एमसीडी की मिस गवर्नेंस की वजह से परेशान हैं। दिल्ली वाले उनके भ्रष्टाचार का, उनके मिस गवर्नेंस का शिकार हैं। चाहे एक तरफ एमसीडी के द्वारा लगातार चलती हुई उगाही हो, या दूसरी तरफ जो एमसीडी का नॉन परफॉर्मेंस है और जो दिल्ली को उन्होंने कूड़ेदान बना दिया है, दिल्ली वाले हमेशा परेशान ही रहते हैं। लेकिन आज भाजपा के इस मिस गवर्नेंस की वजह से, भाजपा के भ्रष्टाचार की वजह से आज दिल्ली वालों की जान पे बनाई है। क्यों? क्योंकि भाजपा शासित एमसीडी, जिसकी जिम्मेदारी है डीएमसी एक्ट के तहत एमसीडी की एक ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली में जो भी बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, उनकी प्रिवेंशन एमसीडी की जिम्मेदारी है। लेकिन एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। एमसीडी ने दिल्ली में डेंगू को रोकने के लिए एक भी कदम समय से नहीं उठाया है और उसका खामियाजा आज दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। आज दिल्ली देख रही है कि रोज डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा भाजपा से सवाल है कि एमसीडी डेंगू के केस रोकने के बारे में क्या कर रही है? एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, उनके ब्रीडिंग चेकर्स की टीम घर घर जाके देख के आए कि किसी भी घर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे मच्छर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं उस पानी को खाली करवाना, वहां पर दवाई डालना, तेल डालना, ये एमसीडी की जिम्मेदारी होती है। मुझे आज कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे जिनके घर में इस सीजन में एमसीडी वाले आए हैं मच्छरों की चेकिंग करने के लिए। आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। एमसीडी की दूसरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हर कॉलोनी में, हर इलाके में फॉगिंग करने की, जिससे अगर मच्छर कहीं पनप भी जाए तो वो मच्छर फॉगिंग के द्वारा मार दिए जाए। लेकिन आज के दिन में ना के बराबर फॉगिंग पूरी दिल्ली में हो रही है। ये दोनों एक्टिविटीज करने के लिए एमसीडी में एक पूरा विभाग है, एक एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है जिसमें कई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट को एक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हेड करता है, उसके नीचे एंटी मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, फिर सीनियर मलेरिया ऑफिसर्स होते हैं, और फिर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होते हैं। हर वार्ड में 10 से 15 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स होना एमसीडी में अनिवार्य है। लेकिन एमसीडी में भाजपा ने जितना मिस गवर्नेंस किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, आज एमसीडी का ये हाल है कि तकरीबन जो एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट है उसमें 70% से ज़्यादा वेकेंसीज हैं। आज उस एंटी मलेरिया डिपार्टमेंट में लोग ही नहीं हैं जो जाके एमसीडी के इस जिम्मेदारी को निभा सके और दिल्ली वालों को डेंगू से बचा सके। दूसरी बात, अगर दिल्ली को डेंगू से बचाना है तो हर वार्ड में कम से कम एक फॉगिंग मशीन की आवश्यकता है। लेकिन आज किसी भी एमसीडी में जितने वार्ड्स हैं उतनी फॉगिंग मशीन्स नहीं है। एमसीडी ये जवाब दे, तीनों भाजपा शासित एमसीडीज ये जवाब दे कि उनके हर वार्ड में फॉगिंग मशीन क्यों नहीं है, कहां है फॉगिंग मशीन्स? जो पैसा बजट में एलोकेट किया जाता है फॉगिंग मशीन्स के लिए, वो पैसा कहां गया? कि जब डेंगू का सीजन सर पे आता है तो आप देखिए, साउथ एमसीडी में 104 वार्ड हैं, लेकिन उस 104 वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 16 फॉगिंग मशीन्स हैं। 104 वार्ड में 16 फॉगिंग मशीन कैसे फॉगिंग करेंगी? और इसी का नतीजा है जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।